एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का ग्रोसरी स्टोर सिम्युलेटर के एक और नए मजेदार एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने काफी ज्यादा ग्राइंड करके, काफी ज्यादा मेहनत करके फाइनली अपनी ग्रोसरी स्टोर को लेवल 4 से लेवल 5 पर भी लेकर चले गए। साथ ही साथ हमने $700 खर्च करके अपनी ग्रोसरी स्टोर के अंदर ऑटोमेटिक चेकआउट काउंटर भी लगा दिया, जिससे अब हमारा 80% टाइम बच जाएगा। वरना ऐसे हो रहा था, मैं पूरी स्टोर को मैनेज भी कर रहा हूँ, सारे के सारे प्रोडक्ट्स को रीस्टॉक भी कर रहा हूँ, बाद में इतने सारे कस्टमर जो लाइन लगा के खड़े उनको बिल भी देना, छुट्टा भी लेना, क्रेडिट कार्ड भी लेना, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम जा रहा था। इसीलिए सबसे पहले हमने लगा दिया ऑटोमेटिक चेकआउट काउंटर, जिससे 80% टाइम बच जाएगा। अब जो भी कस्टमर आएंगे, जो भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे, वो आएंगे यहाँ पर मशीन पर, ऑटोमेटिक स्कैन करेंगे, पैसा देंगे, जाएंगे। अपने को सिर्फ अपना पूरा दिल, दिमाग, कलेजा, गुर्दा अपनी दुकान के अंदर लगाना है, स्टॉक मेंटेन करना है, प्राइस सस्ता रखना है, साथ ही साथ अपने को अपनी स्टोर को एक्सटेंड भी करना है। और ये सारी चीज़ों के लिए अपने को लगने वाला है बहुत सारा पैसा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस जगह को हम एक छोटा सा शॉपिंग मॉल बना दे, जहाँ पर बंदा सामान लेने के लिए आए तो वो खाली हाथ नहीं जाए। मतलब फिर उसे फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, साबुन चाहिए, वॉशिंग पाउडर चाहिए, मतलब घर के अंदर जो जो चीज़ें लगती है वो सारी की सारी चीज़ें उसे एक दुकान के अंदर मिलनी चाहिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम दाम के अंदर। तो अभी स्टोर को ओपन करने से पहले सारी चीज़ों का स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे पास में ख़त्म हो गए। और मैं एक चीज़ ये सोच रहा हूँ कि अपनी दुकान के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है ना, सबको सीरियल वाइज लगाऊँ। जैसे यहाँ पर हम एक एक चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो उस तरीके से मैं सारा का सारा सामान अपनी दुकान के अंदर जमाऊँ, ताकि अपने को मैनेज करने में आसानी हो। या फिर सीधा सीधा फूड का सेक्शन एक, ड्रिंक्स का सेक्शन एक, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का और यूटिलिटी का सेक्शन एक, ये सारे सेक्शन अलग अलग कर दे, या फिर सबको मिक्स भी रख सकते हैं। अभी अपने को वॉशिंग पाउडर मंगाना है, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर सिर्फ 6 पड़े, ये फ्लोर जो है, ये मैदा जो है, ये सिर्फ 4 पड़े, पोटैटो चिप्स 10 पड़े, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम स्टॉक है। तो जो जो चीज़ का कम स्टॉक है ना, मैं फटाफट से वो पूरा का पूरा पहले मंगा देता हूँ। बाकी दूसरी सामान अपने पास में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। ये अपने को ब्लू वाला, वैसे ब्लू वाला ये मिल्क तो है ना अपने पास में, बट ठीक है, चलो कम बता रहे तो और मंगा लेते। साथ ही साथ मेरे को और ना वेजिटेबल वाला काउंटर मंगाना है, ताकि उसके अंदर सारे फ्रूट्स वेजिटेबल ना अपन भर सके। ग्रीन एप्पल ख़त्म हो गया, सीरियल चाहिए। अच्छा चलो पहले इतना ऑर्डर कर देते, यहाँ से फिर सीरियल ले लेते, सीरियल का एक डिब्बा हो गया। उसके बाद में इसका तो स्टॉक ही ख़त्म हो गया भाई, ये भी मंगा लेते। ग्रीन पेपर वगैरह वो मैंने अभी मंगाया नहीं, तो उसको कुछ देर बाद मंगाते, क्योंकि उसके लिए मेरे को लगने वाला है ये स्मॉल वाली फ्रूट रैक, या फिर स्मॉल मंगाऊँ या फिर बड़ी वाली, तो भाई लेवल 6 पर अनलॉक होगी। उसके लिए मेरे को पहले स्टोर को लेवल 6 पर लेकर जाना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे को $1500 लगेंगे। बट अभी हम स्टोर को लेवल 6 पर लेकर जाने से पहले स्टोर का साइज़ बढ़ाएंगे, ताकि हम ज़्यादा रैक्स एक टाइम में अपने स्टोर के अंदर रख सके, ठीक है। तो एक काम करते, $175 की फ़िलहाल में ये एक रैक मंगा लेते, जिसके अंदर सामान रखेंगे। और अगर पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो मैं बड़ा वाला फ्रिज भी मंगा लेता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे फ्रिज अपने पास में ना बहुत सारे हो गए। चलो ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दिया। और एक काम, नहीं, पहले अपन पूरा सामान जमाएंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे, जितना भी पसारा अपन ने फैलाया है वो सब A to Z पूरी शॉप क्लीन करेंगे, उसके बाद में शॉप को करेंगे स्टार्ट। बट एक सेकेंड, क्या तुमने लाइक का बटन दबाया है? नहीं दबाया तो क्या कर रहे हो, हैं क्या कर रहे हो मेरे मुन्ना? पप्पी रखो तुम, और लाइक का बटन दबाओ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि चैनल पर तुम्हें पता ही है कितने ही तबाही आतंक गोली चिंगारी एपिसोड आते रहते हैं, है कि नहीं? तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल से दबाते रहना। बाकी चलो स्टॉक को करते दोबारा से क्लीन, ये भी फुल, ये भी फुल, खाली डिब्बा इधर। उसके बाद में व्हाइट वाली बियर पड़ी है ना, ये ले व्हाइट वाली बियर का दोबारा से रिस्टॉक। ब्लू वाला कर्टेन, उसके बाद में ब्लू वाली, ये तो बियर मैंने भर दिया। ऑरेंज वाली भी फुल है, ब्लू वाली भी फुल है, ग्रीन वाला मिल्क है अपने पास में। चलो ठीक है, जितना बचा कुचा ये भी सारा डाल देते हैं। कौन सा ट्रक आया? अच्छा हाँ, अपना वो वाला ट्रक आ चुका है। ठीक है चलो, इसके अंदर फ्रिज है बड़ा सा। यार सारा नहीं करना, अपने को नीट एंड क्लीन चाहिए अपने आसपास का माहौल। अपने को कूड़ा कचरा होता है ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा देख देख के ना घबराहट होती है। चलो ठीक है, ये भी सीरियल, ये भी सीरियल, अरे इसके बाद में अपनी वो रैक आएगी ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे अपने पास में कुकी का तो स्टॉक था यार। अच्छा ये वाली कुकी अलग है, और ये वाली नहीं यार, ये तो सेम है, ये भी कुकी सेम है, ये भी कुकी सेम है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी कुकी है देख लेंगे। ये सीरियल, खाली डिब्बे इधर। खोल भाई शटर, खोल, बड़ा वाला फ्रिज आ गया अपना। चल जल्दी, वक्त नहीं है मेरे पास में, ठीक है। इसके साथ में ये अभी फ़िलहाल में इधर ही रख दो, इसको बाद में अपन जमाएंगे। और क्या चीज़ है? मैदा, ये लो पूरा का पूरा मैदा इधर, खाली डिब्बा इधर। लाल वाली बियर चाहिए थी, लाल वाली बियर पूरी की पूरी खाली हो गई है।
नीचे से हटा लूँ या नीचे भी भर दूँ? चलो नीचे भी भर ही देते ना, क्योंकि बहुत सारी बियर है अपने पास में ये रेड वाली, उसको रहन देते। बाकी ये खाली डिब्बा है ना, इसको भी फेंक दो। और येलो बियर, येलो बियर, येलो बियर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। ये हो गया, ब्लू वाली का स्टॉक आ गया अपने पास में। इसके अलावा व्हाइट वाली बियर का, हाँ ग्रीन वाली बियर चाहिए मेरे को। ग्रीन वाली बियर, ग्रीन वाली बियर का है, अच्छा स्टॉक है इसलिए ग्रीन वाली मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को। चलो ठीक है, बासमती राइस भर दूँ क्या इधर ही बाजू है ना, रहन देते हैं। अभी खाली तो है वैसे भी अपनी दुकान। अरे नहीं 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 नहीं, अभी दो तीन चीज़ और लगनी बाकी है। वॉशिंग पाउडर ले लो, बचा कुचा वॉशिंग पाउडर यहाँ। ये अलग वाला नाश्ता है। अरे ये पूरा, अरे देखो इधर कितना सारा रखा हुआ था, पूरा भर दिया मैंने नीचे से खाली इधर। जब तक अभी मैं पूरा सामान नहीं रख लेता ना, मैं स्टोर को ओपन नहीं करने वाला, क्योंकि फिर बाद में ना कस्टमर की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है। ये ब्लू डिब्बा तो, अरे यार ब्लू वाला दूध तो मेरे पास में ऑलरेडी कितना सारा है मेरे पास में, दबा के काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है उसका। और क्या चीज़ छूट रही है? ये तो एप्पल सीडर विनेगर, ये है ना, इसको भर दो इधर, है जगह तो। बाकी हर एक चीज़ का स्टॉक देखो अपने पास में अभी टन टनाटन टकाटक हो चुका है। चलो ठीक है, ये हो गया एक काम अपना। इसके अलावा अभी अपने को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लगाने, बट वो लगाने से पहले ना एक काम करते, रुको पहले कूड़ा कचरा फटाफट से फेंक देता हूँ। चलो ऑल सेट, सब क्लियर हो गया। अब ये जो मशीन है इसको मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, इसको अपन इधर लगा देते, ठीक है अपने काउंटर के बाजू में फिलहाल तो इधर लगा देते। और ये जो मशीन है इसको मैं चिटका रहा हूँ इधर कॉर्नर में, थोड़ा इधर से कर देते ये बिलिंग काउंटर, ठीक है। ये किधर से चिपक के आ जाएगा, डोर खुलने के लिए भी अच्छी जगह हो गई। और दूसरा एक और मैं बिलिंग काउंटर मंगाऊंगा ना, तो उसको इधर साइड में लगाएंगे। बट फिलहाल में ना ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की ये है ना मंगाया अपन ने, इसको इधर लगा देते, ठीक है। बीच में पसारा कितना पड़ा हुआ है भाई, हट जा, आई गेस इतना बराबर है। हाँ इसके ऊपर लगाएंगे पूरे की पूरी लौकी, लौकी नहीं क्या है वो, जो भी है वो लगा दिया। उसके बाद में ये क्या है, आलू नहीं, कुछ तो मंगाया मैंने वो भी लगा दिया। शाम के बज कितने रहे वैसे? अच्छा 20 बज भी गए इतनी जल्दी, चलो ठीक है। और क्या है यहाँ पर, ग्रीन एप्पल, मैंने प्राइस किसका भी सेट नहीं किया, अभी सबके प्राइस भी सेट करना है। मैं सोच रहा था जो हमने होलसेल प्राइस में खरीदा है और जो रिटेल प्राइस है उसी में बेचे, बट उसके अंदर अपना फ़ायदा नहीं होगा। और पिछली बार ना कस्टमर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, स्टॉक प्राइस को थोड़ा सा कम करो, तो यस वो भी करेंगे अपन। बाकी बड़ा वाला फ्रिज कहाँ से लगा है, बड़े वाला फ्रिज एक काम करते रखो, टेम्परेरी बड़ा वाला फ्रिज इधर रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से पसारा हटाते, जितनी भी बियर मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है ना ये पूरी की पूरी ये बड़े फ्रिज के अंदर, तो कभी भी आ जाएगी भाई बिल्कुल। अरे वाह, अरे नहीं नहीं जगह है ना, अरे तो परफेक्ट आ गई पूरी की पूरी बड़ी सी फ्रिज, इधर देख रहे हो पूरी आ गई है। मैं बाद में ना ये छोटे भी बारी बारी करके बेच दूंगा और पूरा माल ना इसे बड़ी फ्रिज के अंदर लगा देंगे अपन, है कि नहीं। ऑरेंज बियर सबसे पहले नीचे ठूस दो, पूरी की पूरी खाली हो गया ये भी पसारा। रात में चलो अब खोलते हैं अपन स्टोर को, है ना, बहुत माल है भाई, बहुत माल है। सारों का प्राइस, जितना भी सामान है अभी अपने पास में, हर किसी का प्राइस में अभी कम करने वाला हूँ भाई, हर किसी का प्राइस। वैसे अभी स्टील कितनी जगह है अपने फ्रिज के अंदर रखी हुई भाई, बहुत सारा माल आ सकता है। चलो तो इधर एक ना दूध के डिब्बे भर देते, ये जगह अभी कर देते अपन पूरी तरह से खाली, ओके। बची कुची बियर इधर स्टिल हो है, अलग अलग टाइप के वो रख सकते हो क्या है? नहीं ना, अलग अलग टाइप की वो नहीं रख सकता। एक और दूध का डिब्बा है ना, ये ले, कितना सारा माल आ रहा बड़ी वाली फ्रिज के अंदर एक ही बारी में, कितना सारा भाई, वेरी नाइस, वेरी वेरी वार वेरी नाइस। वैसे खाली डिब्बे में एक काम ये कर सकता हूँ, जो मेरे पास में ये देखो ये पड़ा है ना, इसको हटा के ये इधर आएगा, आइटम मस्ट बी द सेम। अच्छा ये अलग आइटम है, ठीक है चलो शायद से इधर, हाँ ये चिकन नूडल सूप है ना, एक स्टैक काफी है ऊपर, तो जो ये नाश्ता है भर दो नीचे, नाश्ता ज्यादा बिकता है। अरे ये एप्पल अभी भी बचा हुआ है क्या, ये एप्पल अभी भी लगाना बाकी है यार, क्या काम। चलो ठीक है, सारी चीज़ें अपन ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट कर ली। अब सिर्फ प्राइस अपने को हर किसी का ना थोड़ा सा नॉर्मल प्राइस करना है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही। ये हमने दो एपिसोड पहले यहाँ पर ये एवोकाडो और ये बनाना लगाया था, जो कि बिकाई नहीं अभी तक भी, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा हो गया ये, तो अपने को प्राइस थोड़ा सा लिमिट में रखना है ताकि हमारी सेल भी बढ़ती रहे और अपने को कुछ दिक्कत भी ना आए। और अब इसको उठाकर कहाँ लगाए, इसको इसको अंदर ही रहने देते ना,
हाँ इसको इधर ही रहने देते हैं, क्योंकि अब तो अपने को चेकआउट काउंटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। स्टोर ओपन करने से पहले बस सारे के प्राइसेस जो है, ये 1.6 नहीं, करंट प्राइसेस का 1.60 अपन ने खरीदा था 1.29 में, इसका 5.99 मतलब $6 का है, $6.50 में अपन इसको बेच रहे। बाकी बासमती 242 का इसको $3 में बेच रहे ना, इसमें थोड़ा सा कम कर सकते, इसमें थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन अपने को आ रहा है। बाकी पोटैटो चिप्स भी सस्ते में ही बेच रहे हैं, ये $3 का $3.50 में बेच रहे, भी $3 का $3.50, $2.50 का $3, मतलब 50 पैसे यहाँ से कमा रही है $3 के $3.50, $51 एग्जैक्ट अगर बताऊँ तो। बाकी मिल्क कार्टून जो है $3 का $3.50, ये $1.50 का $2, डेढ़ का दो, ये 3.5 का 4। अरे यार 25 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे, 60 पैसे भी बहुत कम, 50 पैसे तो मैं एक उसमें कमा रहा हूँ, उतना नहीं कमाऊंगा क्या अब मैं। रहने दो, फिर प्राइस जो है ना ये सही लग रहा है, बस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर प्राइस का थोड़ा सा देख लेते। बियर तो भाई बस $2 की बेच रहा हूँ मैं। हाँ बनाना महंगा हो गया है ना, अरे ये क्या हो, 0.16 था ना, तो एक काम करते 0.20 कर देते, चलो 25 सोच रहा था मैं, बट 20 कर देंगे इसको। 16 पैसे का एक बनाना है, 20 पैसे में अपन बेच रहे हैं, ये 44 का है, 80 में बेच रहे, तो इसको एक काम करते हैं 0.50 में बेचते, 10 पैसे का मार्जिन रख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है 44 का है ना, 50 में 6 पैसे का मार्जिन रख लेते, चलो ठीक है कोई मसला नहीं। बाकी कैबेज जो है 1.28 का है, 1.50 में बेच रहे, तो इसको 1.40 कर देते है ना, 12 पैसे इसके ऊपर कमा लेंगे। बाकी ये 74 का है, $1 में बेच रहे, इसको भी 0.90 कर लेते हैं, ठीक है इसका भी प्राइस कम कर दिया, रो मत अब तुम लोग। बाकी ये $2.50 का $3 में, $1 का $1.50 में, हाँ ठीक है चलो ये भी सही है, $3 का 3.5, 3 का 4.5, नहीं सॉरी 4 का 4.5 ना। ग्रीन एप्पल का प्राइस वो नहीं किया, तो इसको अपन बस 80 पैसा कर देते, ठीक है 80 पैसा इसका, ये $3 का है तो इसको $3.50, ठीक है बराबर 50 पैसा तेरे पे मार्जिन। ये 4.34 का चौको चिप इतना महंगा है, इसको बस $5 में बेचेंगे अपन, नॉर्मल प्राइस 50-60 पैसे, नहीं यार इसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है कुछ देर रख के देखते हैं, अगर इसमें दिक्कत आई लोग बहुत ज़्यादा भड़के तो अपन इसका प्राइस भी हटा देंगे। बाकी 1.29 का $2 में बिक रहा है, तो उसको $2 नहीं करते 1.60 कर देते, ठीक है 40 पैसा और कम कर दिया मैंने, ताकि माल बिकते रहना चाहिए। कुकुम्बर जो है ये 35 पैसे का है, ये अपन बेचेंगे 50 पैसे में, 15 पैसे ज़्यादा। ये 287 का है कोकोनट, तो इसको बस नॉर्मल $3 में बेच रहा हूँ। नारियल इतना महंगा है भाई साहब, चलो ठीक है डेकोरेशन में थोड़ा सा देखते हैं अब। $30 का है ये, $20 का है सोवियत रग, बाकी स्टैंड जो है ये $35 का है। ये गेट क्या है, ये गेट समझ नहीं आया, $40 का लैम्प वाइट जिगजैग वाला कारपेट ये वो ये सब $15 का है। अच्छा एक शायद से ना $15 का होगा। फ्लैग्स भी है क्या अपने पास, अरे इंडिया का फ्लैग कहाँ है भाई साहब, इंडिया का फ्लैग बताओ, हमारी दुकान इंडिया की है, इंडियन किराना स्टोर। चलो भाई ये रहा अपना इंडियन फ्लैग, बट ये आ रहा है $50 का, तो इसको मैं ऐड करके रख रहा हूँ मेरे पास, जैसे $50 हो गए हम अपने भारत का झंडा इधर बीच सेंटर में लगाएंगे इस वाली दीवार पर। और अब बारी आ चुकी है स्टोर को ओपन करने की, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को खड़े रहना है बस। गाड़ियाँ देखो बस स्टोर ओपन करते के साथ लोग आना स्टार्ट हो गए, अपने को बस स्टॉक उठाना है, मेंटेन करना स्टॉक उठाना, मेंटेन करना। और एक बार दोबारा से नज़र घुमा लेते हो अब कौन सी चीज़ की अपने को कमी हो रही है। वॉशिंग पाउडर का इन स्टॉक 14 है, इन स्टॉक 10, ये बाकी 34, 26 इन सब का स्टॉक ज़्यादा है। एक काम करते चलो वॉशिंग पाउडर और मैदा और मंगा लेते, ठीक है इसके अलावा और क्या है, और कौन सी चीज़ की क्वांटिटी कम है, एप्पल नहीं है क्या, ये लो एप्पल भी, एवोकाडो भी, उसके बाद में कैबेज भी, और क्या है कोकोनट का भी स्टॉक नहीं, कुकुम्बर का भी स्टॉक, ये ग्रेप फ्रूट चलो ठीक है ये भी मंगा लिया, सीरियल मंगा लेते, अच्छा सीरियल नहीं आ रहा, सीरियल से अपने को बाद में वो कर रहे हैं, कस्टमर आ गया क्या, यस देखो बिलिंग करते जाएगी अपने को ऑटोमेटिक पैसा आता जाएगा। बस इधर दिक्कत ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो स्लो काम करता है, उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है इसकी, बहुत ऐसे धीरे धीरे देख रहे हो, एक एक बंदा ना ऐसे धीरे धीरे करके एक एक प्रोडक्ट स्कैन करता फिर जाता, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, तो दो मशीन लगा देंगे अपन अगर ज़रूरत पड़ी ना। बाकी अभी अपने को सिर्फ $1500 होने का इंतज़ार करना है, ताकि अपन फटाफट से भाई एकदम फटाफट से स्टोर को एक्सटेंड कर ले। वॉट वॉट टू एक्सपेंसिव,
कौन सी चीज का प्राइस ज्यादा है भाई, एक बार चेक करने दो। ज्यादा तो नहीं है यार, देखो रो मत। टोटल अभी तक हमने 7654 डॉलर कमा लिए, ठीक है। स्टोर लेवल 5 पर, स्टोर साइज 1 पर ये अभी करेंगे। अरे चलो हो गए ना अपने पास में, कर दिया मैंने ऑर्डर। इंडियन फ्लैग आने वाला है हमारे पास। वैसे ग्रीन एप्पल इधर भी है और इधर भी है। ओके मेरे को एक खाली डिब्बा चाहिए भाई, आई वॉन्ट अ खाली डिब्बा। एक बियर तो बिकी होगी कम से कम इतनी देर में, नहीं बिकी। बिक जाए यार जल्दी से, मेरे को खाली डिब्बे की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा। आगे क्या अपना माल दे 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 दे, फटाफट से सामान दे दे। दरवाज़ा खोल बे। ग्रीन एप्पल को मैंने फैला कर लगा दिया गलती से। वॉशिंग पाउडर का भी स्टॉक आ गया, कैबेज भी आ गया, मैदा भी आ गया। भारत का झंडा कहाँ लगाया जाए, इधर थोड़ा ऐसे करके या फिर। अरे वाह भाई साहब, ये तो क्या लग रहा है खूबसूरत भाई, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये। बस अब स्टोर को एक्सटेंड करना है मेरे को और खूबसूरत बनानी है अपनी दुकान को। खाली डिब्बा दो बे मेरे को, सिर्फ खाली डिब्बा दो मेरे को। यहाँ से ये ग्रीन एप्पल हटा के इधर लगाने, मैंने गलती से इधर कर दिया। What expensive? हाँ ठीक है, expensive है तो चल निकल, रो मत। ले लो इसका स्टॉक दोबारा से मेंटेन। ओ ये केक खत्म होने वाला है अपने पास में, चलो ठीक है कोई ना। अवोकाडो है, अवोकाडो ठूस दो इधर, हो गया खाली डिब्बा। आ जा भाई पूरे के पूरे ग्रीन एप्पल, ये पूरे सजेंगे इधर। यस नीट एंड क्लीन। अब टेंशन ही नहीं भाई, अब बिल्कुल आराम से मैं काम कर सकता हूँ। ये वाले का मैंने प्राइस सेट किया हूँ नहीं किया हूँ मेरे को पता नहीं है, देख लेते एक बार। चलो लास्ट वाले क्या लगाया सबसे पहले, ग्रेप फ्रूट है ना 50 उसका ही है। इसको अपन बेचेंगे 65 में, ठीक है 15 पैसे का मार्जिन इसके ऊपर रख देते हैं। बाकी ऐसा अगर कुछ है जो एक्सट्रीम लग रहा है उसका प्राइस मैं थोड़ा सा और कम कर दूंगा ताकि कस्टमर कंप्लेन ही ना करे। बियर का प्राइस बिल्कुल एवरेज है, बिल्कुल नॉर्मल है, बाकी सब तो बराबर ही है यार। और क्या महंगा लग रहा है इनको, क्या पता ये बिलिंग इतनी स्लो क्यों, पैसे आ क्यों नहीं रहे इतनी जल्दी जल्दी। व्हाट हैपन, अच्छा प्रॉब्लम, ओके मशीन खराब हो गई थी, ये भी मेरे को देखते रहना है इसकी प्रॉब्लम जो भी है। ये खराब हो जाएगी मशीन और अपने को उसको बनाते रहना है भाई, ये भी अपने को नजर रखनी है। चलो ठीक है, एप्पल 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 88 88 88। चलो ठीक है, वॉशिंग पाउडर का स्टॉक, ये येलो वाला केक अभी अपने पास में खत्म होने वाला है ना, इसका भी फिर स्टॉक वो कर लेंगे। बाकी येलो लोगों के पैर में नहीं आना चाहिए, चलो को टेम्पररी इसको इधर रख देते हैं नाश्ते को। बहुत सारे अभी भाई प्रोडक्ट आने बाकी है, बहुत सारे हो गया। येलो बता रहा है अभी फिलहाल में, जल्दी जल्दी स्कैन कर जाना यार। हम खुद काम करते तो बहुत तेजी से पैसे आते हैं, अभी बहुत स्लो पैसे आ रहे हैं। लोग खड़े ही ये सामान ही देखे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं बस। ये बियर बिकी क्या नहीं, अरे यार ये वाली बियर बिकी नहीं अभी तक। इसके अंदर वॉशिंग पाउडर वॉशिंग पाउडर वॉशिंग पाउडर, चलो ठीक है। 141 डॉलर हो गए अपने पास में। ऑर्डर गुड्स इसमें मैदा, हर बार मैदा ही मंगाना पड़ रहा है, दो मैदे कर लेते हैं। दो मैदे के साथ में यहाँ पर बीन सूप खत्म हो गया ना, बीन सूप का एक डिब्बा। और एप्पल स्टॉक में नहीं है, एप्पल अवोकाडो बनाना, उसके बाद में ये कैबेज, कैबेज के अलावा क्या है, कास्टर शुगर के दो मंगा लेते हैं। दो मंगाए या एक ही मंगाए, कास्टर शुगर एक ही मंगाते हैं अभी। कोकोनट भी मंगाना पड़ेगा, कुकुम्बर है मेरे पास में डब्बा स्टॉक में पड़ा है एक, तो कुकुम्बर का इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। ग्रेप फ्रूट मंगा लेंगे बट आएगा नहीं आएगा, चलो ठीक है। कास्टर शुगर आ रहा है ना, कास्टर शुगर भी नहीं आ रहा, चलो ठीक है जितना भी आ रहा है अभी कास्टर शुगर तक ऑर्डर कर दिया। बाकी का इसके नीचे का ना, कोकोनट कुकुम्बर ग्रेप फ्रूट सीरियल के दो डिब्बे, क्रैकर के दो डिब्बे, चिकन नूडल के दो डिब्बे, ग्रीन पेपर नहीं आएगा, एक काम करो रुको, ग्रीन बेल पेपर एक, ये भी 42 डॉलर तक हो गया ना। बाकी ये जो ग्रीन पियर और ये वाला जो मैंगो है ना, इसको ऑर्डर कर। भाई नीचे का क्रैकर नहीं है अपने पास में, डॉग फूड नहीं है, एनर्जी ड्रिंक नहीं है, चिकन सूप नहीं है, ये वाली कुकी नहीं है। अरे क्या दुकान चला रहा हूँ मैं, इतना सारा माल तो मैंने वो अभी तक वही नहीं किया यार। अब 1500 डॉलर करना बहुत ज़्यादा, मतलब नेसेसरी नहीं मस्ट हो चुका है अब, मस्ट मेरे को करना है 1500 डॉलर ताकि मैं स्टोर को बढ़ा सकूं। और अब रैक भी लगानी है, ये 98 डॉलर है ना, थोड़े से और पैसे आ जाएंगे ना तो मैं एक काम करता हूँ, सीधा सीधा वो कर लेते हैं अपन रैक जो है ना अपने पास में, एक न्यू वाली रैक ऑर्डर कर लेते हैं। बाकी कुकुम्बर तो है देखो, पूरा का पूरा कुकुम्बर लगा दिया इधर, कैबेज रखने के लिए जगह नहीं है, एवोकाडो बनाना, बनाना क्यों नहीं बिक रहे मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बनाना चिल्लर प्राइस में बेच रहा हूँ मैं बट स्टिल बनाना खरीद ही नहीं रहा है।
बनाने का प्राइस मेरे को और बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा यार। मैंने ना धीरे धीरे करके अपनी दुकान में बहुत पसारा कर लिया, तुम बस ज़मीन पर फो देखना बहुत ज़्यादा पसारा कर लिया भाई मैंने, इतना सारा माल एक्स्ट्रा में आके पड़ गया, सबको जमाना है। एप्पल 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 एप्पल, ठीक है ये चलो ठीक है तुम पसारा देख रहे हो भाई कितना पसारा हो गया मेरे पास। ये नाश्ता खा रखा था मैंने, हाँ इधर है ना, इतना सफिशिएंट और ख़त्म होगा तो और वो कर लेंगे। बाकी कोकोनट है, ये कोकोनट बिक रहा है अच्छा खासा। चलो भाई कोकोनट स्टॉक मेंटेन है, बाकी कुकुम्बर ये वो कुछ भी ऑर्डर नहीं करना अपने को। व्हाट प्राइस ही, व्हाट प्राइस ही, सब बराबर है बेटे, सब बराबर है। तेरा बजट नहीं है ये बता तू मेरे को। ये कुकी थी लगा दिया, $182 है अपने पास में, बिलिंग चल रही है खूब तगड़ी। इसके अलावा मैदा, मैदा ये लो मैदा पूरा स्टॉक, फुल स्टॉक मैदे की। मेरी वो रैक वगैरह वो आ गई है शायद से, रैक नहीं सॉरी, क्या ऑर्डर किया था मैंने, हाँ ये नया वाला माल है ना, ये पूरा का पूरा नया माल है, इसका भी प्राइस सेट करना बाकी है। सबका प्राइस कुछ भी सेट नहीं किया मैंने, ये लेवल 5 पर अपने को अनलॉक हुआ था और ये प्रोडक्ट मैंने मंगाए नहीं थे। ग्रीन पेपर, ग्रीन पेपर, ग्रीन पेपर, ग्रीन पेपर रखने के लिए जगह नहीं है। ओके कोई बात नहीं, ये एनर्जी ड्रिंक है जो कि इधर तो लगने से रही भाई, एनर्जी ड्रिंक फ्रिज के अंदर ही आएगी ना। बाकी ये क्रैकर, क्रैकर तो ये लो क्रैकर लगा दिया। क्रैकर के अलावा कोकोनट तो अभी, कोकोनट इतने सारे लगा था फिर खत्म हो गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये रहा कास्टा शुगर, कास्टा शुगर ये रहा कॉर्नर में। अरे यार मैं पूरे कास्टा शुगर को एक जगह, चलो ठीक है ये एक है ना, दो डिब्बे जमीन पर पड़े रहने दो। मैं इधर जो नया वाला माल आया है क्या, नहीं डॉग फूड, डॉग फूड का प्राइस पहले मेरे को सेट करना पड़ेगा। चलो पहले डॉग फूड लगा दे, स्टोर को मैं बंद नहीं कर रहा क्योंकि स्टोर को थोड़ी देर के बाद में बंद करेंगे। ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट में ना चेंज प्राइस करते जाते, ये 1.25 का है 1.50 में बेच देंगे, एकदम चिल्लर चिल्लर 25-25 पैसे का मार्जिन रखेंगे उसके ऊपर काम करेंगे ठीक है। ये मॉर्निंग मंच जो था ये लो लगा दिया, ये भी थैंक यू। हाँ ये क्रैकर रखने के लिए जगह चाहिए थी, मिल गई है क्रैकर रखने के लिए जगह। इसका प्राइस करो फटाफट से पहले चिन्ह, कितने का ही भाई ये एक क्रैकर तो ये है ना क्रैकर, अरे ऑलरेडी क्रैकर का प्राइस सेट करा हुआ है मैंने, ऑलरेडी सेट करा हुआ है, इसका टेंशन नहीं है। चलो ठीक है, इसके अलावा और क्या है नया, बाकी तो अपना वही सामान है, ये मैदा ये लो और स्टॉक है बेज, ये वो मैदे का दो दो डिब्बे पड़े भाई, अब थोड़ा सा देख के ठीक है। हाँ ये चिकन सूप ये नहीं लगाया था ना मैंने, ये लगाना है, इसका अपने को प्राइस सेट करना पड़ेगा। कितना $315 डन भाई विदाउट एफर्ट, सिर्फ मेरे को स्टॉक मेंटेन करना है, बाकी का काम अपनी मशीन ऑटोमेटिक की जा रही, 246 का ही है, $3 में बिक जा, 25 पैसा 50 पैसा, बस इससे ज्यादा के मार्जिन पे अपने को काम नहीं करना है। चलो अब जो स्टॉक है ना अच्छे से जमाता हूँ, मेरे पास मैदे का एक और डिब्बा है क्या, क्या मेरे पास में मैदे का एक और डिब्बा नहीं है, बियर बिकी के नहीं, हाँ बिक गई। ये फेंको इधर, फ्रूट्स वेजिटेबल, अरे ये नहीं लगाया ना मैंने, एनर्जी ड्रिंक चलो एनर्जी ड्रिंक का हो गया अपना काम, ये खाली डिब्बा है। इधर मैं पूरी की पूरी ना एनर्जी ड्रिंक वो कर दूंगा, इधर से हटा के ये भर दो इधर, कहाँ फेंका मैंने एनर्जी ड्रिंक, ये क्या नहीं एनर्जी ड्रिंक अभी तो थी मेरे हाथ, हाँ ये पड़ी हुई है ना भाई, ये एनर्जी ड्रिंक को लगा देते हैं इधर, पूरा का पूरा स्टॉक एक ही बारी में फुल। एक दो डिब्बे एक्स्ट्रा में पड़े रहने थे तो जो खाली वाले वो प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ करने के ना मेरे काम में आएंगे। ये $2.50 की है, $3 में बेच दो, सिंपल 50 पैसे का मार्जिन खुल्लम खुल्ला। कुकी, हाँ कुकी इधर रखो, ये कुकी में कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये मुर्गी वाली कुकी अलग है और ये वाली कुकी अलग है, ये दोनों लाल डिब्बे में ना मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ थोड़ा सा, और ठीक है चलो को ना। अरे मशीन खराब हुई, एक सेकंड लो कर दिया मैंने स्वाइप योर कार्ड। मैं सोच रहा हूँ $700 की एक और मशीन लगा दूं क्या इधर है, मैंने खुद की जो अपनी मैनुअल वाली मशीन थी ना वो बेचनी नहीं चाहिए थी, उसके ऊपर अपन ज़्यादा स्पीड से पैसे बना रहे थे, उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा ऐसा धीरे धीरे चल रहा है। बाकी तुम देख रहे हो अपनी दुकान कितनी मस्त चल रही है, ना सारी चीज़ों का अपने पास में स्टॉक है, बस ये मेरे को ये काउंटर एक और चाहिए, और कौन सी ऐसी मशीन है जिससे हमारी दुकान के अंदर मतलब थोड़े चार चांद लग जाएंगे। ये स्टॉकिंग कार्ट क्या है मेरे समझ में नहीं आया, एक कार्ट के अंदर क्या मैं पूरा जो एक्स्ट्रा स्टॉक जमीन पर पड़ा हुआ वो इसके अंदर डाल के एक कार्ट को लेकर मैं दुकान में घूम सकता हूँ और चीजें स्टोर कर सकता हूँ, शायद से मेरे को लग तो यही रही है। बाकी सेल्फ चेकआउट काउंटर चाहिए नहीं, ये शेल्फ स्मॉल वुडन, ये जो है ये छोटी सी रैक है, इसमें भी शायद से स्टॉक ही मेंटेन करना पड़ेगा अपने को, बाकी और तो कुछ भी नहीं है। ये चाहिए यार मेरे को, ये वाली फ्रूट वाली रैक चाहिए जिसके अंदर एक ही बारी में ना सारे के सारे फ्रूट्स आ जाए, बाकी फ्रिज तो आ गई। चलो
एक $300 की एक कार्ड भी मंगा लेते इसकी ऐसी की तैसी। चलो बहुत पैसा है अपने पास में भी, कार्ड के अंदर ये जो पसारा पड़ा हुआ है ना ये कर देंगे। बाकी हर एक चीज है हमारे पास, हर एक चीज है, कोई भी चीज की अपने को ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी छेड़ रहा है क्या? छेड़ेगा ना बहुत मार खाएगा, समझा ना? तेरा अंदर से मुंह बता जा रहा, खा लिए तेरा भी खोपड़ा येड़े। ये लो वॉशिंग पाउडर का स्टॉक, डन दोबारा से डंडना डन डप्पी चिकी। मशीन खराब हुई, मेरे को आवाज देना ठीक है, मेरे को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा बार बार, मैं भूल जा रहा हूँ, काम में लग जा रहा हूँ। कितनी देर से पता नहीं पिछला वाला बंदा खड़ा था यहाँ पर मशीन ठीक करने के, उसमें शॉपिंग कार्ट आई है, शॉपिंग कार्ट आई है, इसको क्या मैं लेके, अरे वाह हाय साहब, इसके अंदर तो मैं ये ले फ्रूट, नीचे पूरे फ्रूट्स रख देते जितना भी मेरे पास में स्टॉक पड़ा है ना। आ जा भाई, ये तो बहुत सारा सामान है अपने पास में पड़ा हुआ, एक के बाजू एक, ठीक है। फ्रूट्स वेजिटेबल सारे, अरे कुकुम्बर रखने के तो जगह, ए कुकुम्बर का प्राइस थोड़ा सा कम करता हूँ मैं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है कुकुम्बर का प्राइस, ये पता नहीं बिक ही नहीं रहा। ये बनाना भी 20 पैसे का बेच रहा हूँ तो भी नहीं बिक रहा। अरे 20 पैसे है ना, ये 22 क्यों हो जा रहा, 0.18 कर देता हूँ ठीक है, 18। अब बिक जा भाई है, अब बिक जा। अवोकाडो बिक रहा है, अवोकाडो को तो भाई 4-6 पैसे में काम कर रहा हूँ। कैबेज पे 12 पैसे पे काम कर रहे हैं, और क्या और तो है ना, ग्रीन एप्पल 73 का 80 में बेच रहे हैं, ये 50 का 65 में बेच रहे हैं, और क्या चीज है, कुकुम्बर ज्यादा हो रहा है ना, 35 का है ना, तो इसको 0.40 में बेच देते, सिर्फ 5 पैसे पे काम करते इसके ऊपर, ठीक है 5 पैसे पे काम करते कि अपना कुकुम्बर बिक जाए बस। कुकुम्बर किसी को पसंद ही नहीं आ रहा भाई। चिकन नूडल, ये लो चिकन नूडल का पूरा फुल स्टॉक बेटे, ये कास्टा शुगर के 3 डिब्बे और ले ले बेटे, ये है और एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, बाकी दूध 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 दूध, इधर भी, ये भी खत्म। एक चीज अच्छी है अपनी, उसके अंदर अपने को ना इसमें पता लग जा रहा है कि कौन से वाले जो स्टॉक नहीं है अपने पास में, या कौन सी चीज का स्टॉक खत्म हो गया, या कौन सी चीज मंगानी है, वो सब अपने को इधर ही दिख जा रहा, तो वो बात का टेंशन नहीं है। बाकी अब ना मैं एक काम करता हूँ, ये जो कार्ट है ना ये एक और मैं मंगा रहा हूँ, उसके अंदर जो बचे कुछ फ्रूट्स है ना मैं वो लगा देता हूँ यार, वरना ना वो जो एप्पल वो रखे हुए है ना वो रखे रखे खराब ना हो जाए, मेरे को ये डर लग रहा है। कोकोनट एक है ना, ये लो बचा कुछ है कोकोनट, अंदर कार्ट के अंदर बहुत सारा सामान है बट और रखने के लिए जगह भाई, ये देख रहे हो तुम, ये तो एप्पल के ऊपर एप्पल, कुकुम्बर फ्रूट्स वेजिटेबल का ही कितना, कुकुम्बर कितना है मेरे पास हैं, ये इसमें 3-4 पड़े, इधर एक पड़ा, अरे बहुत है भाई, बनाना कितने सारे पड़े, अवोकाडो कितने सारे पड़े, ये 3 और आ गए, इसको ना इसके चरणों में रख देता हूँ, सीधा सीधा काम। ग्रीन एप्पल, ग्रीन सूप, और क्या चीज़ की कमी है, बाकी सब तो बिल्कुल बराबर है ना। हाँ मैदा ए लो, 2 स्टॉक इधर, ये सूप इधर, ये भी खो गया खाली डिब्बा, मशीन फिर खराब हो गई। एक सेकेंड, सॉरी, $364 डन भाई, डन का डन, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छे से और बहुत आराम से अपनी दुकान चल रही है। अब बस ये जो ये था ना, कहा गया ये फ्रूट रैक जो है ना ये मंगा लेते भाई, $175 की, ये मस्ट हो चुकी है बहुत ज्यादा। ये बड़ी शेल्फ चाहिए भाई, ये बड़ी वाली, बस एक बार मिल जाए मस्त काम हो जाएगा। वैसे अगर सही तरीके से देखे ना तो अभी हमारी जो स्टोर है क्या, इस स्टोर को सही तरीके से मैं जमाऊं ना तो इसी के अंदर मैं इतना सारा सामान प्लेस कर सकता हूं भाई, अभी बहुत सारा सामान इसके अंदर ही आ जाएगा, अपने को कोई भी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर अपन और कम से कम ना $5,000-6,000 तो ऐसे ही कमा सकते हैं। चलो ठीक है फिर वही करते हैं। $1,500 करने से पहले अपन, ये एंट्रेंस है ठीक सामने इसके, ये एक आ गई ठीक है, इसके पीछे चिटका कर ऐसे लगा दे तो एकदम बिल्कुल चिपका के, इतना बराबर है हाँ। इधर जो है पीछे साइड में रैक लगा दूंगा मैं, बट मेरा झंडा छुपना नहीं चाहिए, मेन टारगेट वो है, इसके सामने रैक आ जाएगी तो फिर एक, फिर ये कर सकते, ये जो जितने भी ये है ना अपने फ्रूट वाले, इन सबको इधर की दीवार पे लगा सकता हूँ मैं, और ये रैक्स को बीच में लगा सकते हैं ताकि झंडा खुला रहे, बट अभी टेम्पररी ऐसे चल रहा है, रहने दो। मेरे को एप्पल लगाना है इधर पहले, एप्पल आ गया, पूरे एप्पल ठूस दो भाई, इतने एप्पल काफी, एक एक का प्राइस सेट करना। मैं एक काम करता हूँ, रैक ही बाहर लेकर चलते ना सीधा। एप्पल कहाँ गया, अरे एप्पल कहाँ है, एप्पल ये 74 का 90, अच्छा ऑलरेडी एप्पल का प्राइस सेट है ना,
माशाल्लाह पूरा स्टॉक कर देंगे दोबारा से, वो मेंटेन कर देंगे। कैबेज है, कैबेज नहीं था इधर, हेलो ये कैबेज लगा दिया। सैंडस्टॉर्म कमिंग, या आके चला गया होगा। हेलो बच्चा कुछ कैबेज का भी और स्टॉक, उसके बाद में ग्रीन चिली, ग्रीन पेपर जो भी है इसका स्टॉक। और क्या है, है और तो कुछ नहीं। कुकुम्बर है, ये लो बच्चा कुछ कुकुम्बर। एक फेंकना नहीं है, फेंकना नहीं है रैक्स, ऐसे मैं और एक दो रैक मंगा लूँगा, उसके अंदर अपन सारा सामान सजा देंगे। हाँ ग्रीन एप्पल चाहिए मेरे को, ग्रीन एप्पल नहीं है मेरे पास में। एप्पल तो है ना, एप्पल लगा देते, ये एप्पल और ठूस देंगे इधर। ठीक है इधर से एप्पल हो गए, इधर से कहीं एप्पल लगाने की जरूरत नो, नो जरूरत। ठीक है चलो ये हो गया। ये क्या है, प्री फूड जो भी था ये इधर लगा दिया। और क्या चीज़ है, और कुछ है, कुछ छूट रहा है ऐसे नहीं ना। अवोकाडो खाली हुआ है, अवोकाडो इधर लगा देते। चलो ठीक है, खाली डिब्बा सीधा आउट। अरे अभी तो बाहर इतना अंधेरे वाला माहौल था अभी तो। अरे फिर मशीन खराब हो गई यार इसकी, ऐसी की तैसी। ये ज्यादा नहीं खराब हो रही है क्या, हैं मशीन ज्यादा नहीं खराब हो रही है भाई। चलो ठीक है कोई ना, ये फ्रूट्स वेजिटेबल की ये तो पूरी इसके अंदर आ गई। अरे खत्म खत्म खत्म, पहला आहा नीट एंड क्लीन बिल्कुल ही। $229 हो गए अपने पास भाई, $229। मेरे को अब दोबारा से कितना सारा सामान मंगाना पड़ेगा यार, पैसे तो ऐसे से तो मेरे पास में $1500 होंगे ही नहीं, फिर कभी नहीं होंगे $1500 अगर यही स्पीड से काम चलता रहा। तुम लोग क्या खड़े रह के सोच रहे हो, हैं क्या खड़े रह के सोच रहे हो, एक और चेकआउट काउंटर लगा दूं क्या यार, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है अब। ये खड़े रह के सोचे जा रहे हैं बस। अच्छा ये ऐसे हो रहा होगा, इधर एक बंदा जब तक खड़ा है ना, जब तक ये दूसरे बंदे इधर सोच ही रहे, ठीक है ये एक जाएगा तो दूसरा आएगा, तो मतलब मेरे को $700 करके इधर एक और मशीन लगानी पड़ेगी। पहले मेरे को मशीन लगाना पड़ेगी, उसके बाद में भी फिर कुछ। चलो ठीक है $700 कर लेते हैं फटाफट से, है ना। बाकी तो हर एक चीज़ का फिलहाल में स्टॉक है अपने पास, बोल सकते हैं स्टॉक। दो मशीन रहेगी तब जाकर स्पीड में काम होगा। लोन भी मिल जाता ना तो आधी प्रॉब्लम तो ऐसी सॉल्व हो जाती यार। विदाउट इंटरेस्ट का अगर लोन मिलता ना मैं फटाफट से काम कर लेता। ये रैक के अंदर ना सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होगा, कुछ बनाना जमीन पर पड़े, अरे कुछ तो बिकते हुए देखा ना मैंने इसके अंदर लग जाएंगे। हो गया खाली, हाँ चलो एक और डिब्बा खाली। मैं ना पसारा हटा रहा हूँ अपनी दुकान में से जितना हो सकता है। मैदे का तो एक डिब्बा और रखा हुआ है, ए लो इसको मुंह के सामने रख देते हैं। ये ग्रेप फ्रूट जो भी है इधर बिका क्या, ये बिक गया होगा थोड़ा बहुत, नहीं बिका, चलो ठीक है। अवोकाडो मेरे पास और है रखा हुआ, ए लो अवोकाडो का दोबारा। अवोकाडो बिक रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। बाकी ये खाली डिब्बे इन सब का भी कर देते हैं। अच्छा अच्छा बाय बाय, मेरे को मशीन लगने ही वाली है चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को एक और ऑटोमेटिक चेकआउट काउंटर चाहिए ही, क्योंकि जो पैसे आने की स्पीड है ना वो स्लो गई है। मैनुअली जब मैं काम कर रहा था ना, ये सामान फटाफट से ले रहे, एक लाइन में लग रहे और तुरंत तुरंत में सारी चीज़ें हो रही थी, बट यहाँ पर ये एकदम स्लो स्लो एक एक कर रहा है स्कैन, फिर जा रहा है। देखना ये स्कैन करेगा जाएगा, जब तक बाकी के जितने भी है ना यहाँ पर ये बस खड़े रह के सोचते रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। देखो ये गया फिर दूसरा आएगा, ये आके अब खड़ी हो गई, ये धीरे धीरे करते रहेगी, इसलिए दुकान में रश ज़्यादा है, काम थोड़ा स्पीड मतलब काम की स्पीड कम हो गई है, बाकी रश ज़्यादा है दुकान के अंदर। ये ग्रीन पियर मैंने अभी तक लगाया कि नहीं लगाया, नहीं ये कहीं पर भी नहीं लगाया, लगाने के लिए जगह ही नहीं है। चलो ठीक है, प्राइस पे दोबारा से एक बार नज़र घुमानी है सब पे, सब बराबर से चल रहा है ना। इसका प्राइस मैंने कहीं रखना तो नहीं भूल गया, शायद से सबके प्राइस बिल्कुल बराबर है। पैसे के मामले में हमसे शायद गलती नहीं हो सकती, हर एक चीज का प्राइस तो अपन ने सेट कर दिया। अरे इसका प्राइस सेट नहीं हुआ है ना, देखो 0.51 है, 0.60 में बेचेंगे अपन इसको। ये 0.60 हो गया, ये ढाई का है, ये ढाई का है, बस ये एक चीज का प्राइस सेट नहीं किया था अपन ने। वुडन फ्लोर तो अपन ने दुकान के अंदर लगा दिया, $50 का आ रहा था। बाकी एक्सटीरियर जो है, एक्सटीरियर भाई महंगा जा रहा है अभी तो नहीं, अभी नहीं, अभी बजट नहीं है कोई भी चीज का, अभी रहने देते हैं। और कार्ट को ना ऐसा रेडी रख दो, कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी तुरंत फटाफट से जाएंगे। कुकुम्बर बिका क्या भाई, और अरे यार कुकुम्बर बिक नहीं रहा, इतना स्लो स्लो चल रहा है। वैसे एक चीज ये चेक करनी थी, अगर मैं चेकआउट काउंटर को इधर अंदर लगा दूं, बट वैसे स्टोर रूम है तो यहाँ मेरे ख्याल से नहीं लगा पाऊंगा मैं। चलो ठीक है कोई ना, बच्चा कुछ सामान इधर, कोई तो सेक्शन खाली हो गया है। अभी मेरे को प्रोडक्ट मंगाने पड़ेंगे, बट मैं मंगा नहीं रहा क्योंकि मैं चेकआउट काउंटर के लिए रुका हूँ। इधर ऑर्डर में देखेंगे ना तो सारे चीज़ के प्रोडक्ट देखो कितने सारे अभी है,
जो मेरे को मंगा के लगाने पड़ेंगे, बट मैं मंगा नहीं रहा क्योंकि मैं $700 का इंतजार कर रहा हूँ। एक बार $700 हो जाए टेंशन खत्म हो जाएगा, पैसे फिर ना एक बारी में दो दो कस्टमर जाएंगे। या फिर ऑटोमेटिक लगाओ या मैं मैनुअल वाली एक परचेस कर लूँ ताकि मैं थोड़ा स्पीड से काम करके कस्टमर को भगा सकूँ। बट सारे के सारे फिर ये येड़े लोग ना मेरे पास ही आके खड़े हो जाएंगे, इधर कोई खड़े नहीं रहेगा। चलो थोड़ा सब्र कर ही लेते हैं, $700 कर ही लेते पहले, है ना, बाद में फिर सारे प्रोडक्ट मंगाएंगे एक ही साथ। 5 minutes later, let's go। तो $703 हो चुके हैं। अब मैं ये पैसे से ना अपनी दुकान के अंदर सामान नहीं मंगा रहा हूँ, मैं पहले ऑटोमेटिक चेकआउट काउंटर मंगा रहा हूँ, उसके बाद में फिर बाकी सामान मंगाएंगे। क्योंकि सामान देख रहे हो पूरी रैक्स ना अच्छी खासी खाली हो गई है, कुछ कुछ तो अपने पास में प्रोडक्ट ही नहीं बचे, पूरे खाली हो गए टोटल। तो अब अपने को फटाफट से पैसे जमा करने और सारे के सारे प्रोडक्ट ना रीस्टॉक करना पड़ेगा। बट अब पैसे आने की जो स्पीड है ये ज़्यादा हो जाएगी, क्यों पता है, क्योंकि अब अपने पास में दो दो चेकआउट काउंटर लग गए। एक उधर लगा है, एक लगा देता हूँ मैं और टेम्पररी, यार झंडे के पास नहीं आना चाहिए अपने, अंदर कहीं लगेगा क्या, नहीं लगेगा, इधर एक ही जगह है मेरे पास तो फिर लगाने के लिए, अपने भारत के झंडे के पास में थोड़ा सा आगे करके, बट बीच में यार, या ऐसे लगा दो, ऐसे भी तो चलेगा ना। हाँ ऐसे भी लगा दिया तो भी चलेगा, इधर से कितना गैप है। हाँ अगर ऐसे भी लगा दिया तो भी चलेगा भाई, हाँ तो भी चलेगा। मैं इसको एक काम, यार ये ऑलरेडी इधर पीछे है ना, इसको थोड़ा सा ना मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा इधर से कर देते और ये दो को पीछे मूव कर लेते है कि नहीं, या फिर ये दो ऐसे लगा दिया, बाकी ये जो है इसको इधर लगा देते इसके बाजू में, क्या बोलते हो, एक ही बारी में तीन तीन बार लुक चेंज कर दिया। हाँ ये थोड़ा सा ठीक है, चलो। अरे मशीन खराब हो गई, एक सेकंड सर, कर दिया प्रॉब्लम रिजॉल्व। अब देखना, अब दो दो कस्टमर भाई, अब दो दो कस्टमर, अब टेंशन नहीं है, दो दो कस्टमर वो आ रहे सामान ले रहे जा रहे। इसको फिर हटा के ना जैसी थी ना पहले वैसी कर देता हूँ। इधर कॉर्नर में से ये झंडा का झंडा अपना दिख भी रहा है और दो चेकआउट काउंटर भी लग गए। इधर से फ्रिज लगा हुआ है, वरना एक चेकआउट काउंटर ना मैं इधर लगा देता। वैसे फ्रिज को हटा कर इधर मिड में लेकर चेकआउट काउंटर इधर भी लगा सकते हैं दोनों के दोनों, बट ठीक है चलो, ऐसे ही अभी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। दो दो चेकआउट काउंटर आ गए भाई अपने पास में, वेरी वेरी नाइस। अब बस मशीनें चेक करना है, ख़राब होगी वो, अब तुम पैसे देखो ऊपर, बस पैसे देखो 147 हो गए, बट $1500 करने स्टील मेरे को और बहुत ज़्यादा अभी ग्राइंड करना पड़ेगा। बाकी ठीक है चलो, जो बचा कुचा क्या, वॉशिंग पाउडर ख़त्म, मैदा ख़त्म, पोटैटो चिप्स ख़त्म, एप्पल सिनेमन तो ज़ीरो है, बासमती राइस सूप इसके साथ में, और क्या है, ये केक ख़त्म, दूध ख़त्म, बियर तो चलो ठीक है फिर भी है, बाकी ये वाली बियर ख़त्म, ये वाली बियर नहीं आएगी, ये पर्पल वाली बियर से और अपने को ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है, ये पर्पल वाली बियर, ग्रीन वाली बियर, उसके बाद में एवोकाडो ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है, कैबेज चलो ऑर्डर कर देते हैं, ब्रेकफास्ट कास्ता शुगर, इसके अलावा ग्रीन एप्पल ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, सीरियल ऑर्डर कर देते हैं, क्रैकर ऑर्डर कर देते हैं, और क्या है, ग्रीन बेल पेपर, ये ऑर्डर करूँ नहीं करूँ, ये शायद से स्टॉक में पड़ा है, अगर नहीं होगा तो ऑर्डर कर देंगे, बाकी ग्रीन पियर मैंगो ये ऑर्डर नहीं कर रहा, रखने के लिए जगह नहीं है, या फिर शायद से बिक गए तो ये एक दो तीन, ठीक है पहले ग्रीन पेपर फिर ग्रीन पियर बाद में मैंगो, क्योंकि मैंगो आएगा नहीं, $75 का और है, ठीक है $75 का और, ये क्रैकर डॉग फूड दो बच्चे खाली, चिकन सूप और ये केक, ठीक है ये और ऑर्डर कर देते हैं। हाँ पहला स्टॉक आ चुका है, फेंको अब पसारा, तुम यहाँ पर पसारा देखना, इतना मैंने मेहनत से नीट एंड क्लीन किया था, सारा का सारा नीट एंड क्लीन गंदा हो जाएगा, पूरा का पूरा पसारा आ जाएगा इधर, ठीक है चलो, ये हो गया अपना चिप्स, पूरा का पूरा चिप्स, इधर इधर से चिप्स हटा रहा हूँ मैं, ठीक है ये चिप्स हो गया, केक रखा था मैंने इधर साइड में, पूरा का पूरा केक आ गया, ठीक है बाकी वॉशिंग पाउडर ख़त्म हुआ था, ये लो पूरा वॉशिंग पाउडर, खाला डिब्बा नहीं खाली डिब्बा बाहर, ग्रीन वाला मिल्क ये लो, ग्रीन वाला बस इधर रख देते हैं ना, और क्या है, और माल आ गया भाई, और माल आ गया कितना पसा रहा, अभी एक और ट्रक आनी बाकी है, अभी यहाँ पर नहीं रुका है, अभी और माल अपनी दुकान में आना
बाकी है भाई। चलो अब यहाँ से ये पैसों को ये रोटेशन करते 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 ना अपने पास में $1500 हो जाएगा। बट ग्राइंड तो देखो करना पड़ेगा, मशीन खराब हुई लगता है। हाँ ये नई वाली मशीन खराब हुई ना, ठीक है। ग्रीन बियर का स्टॉक ये अच्छा है, ग्रीन वाली और ये पर्पल वाली और ये टाइप की जो बियर है ना ये आ ही रही है एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा। अरे जगह है खाली हो गया था, ये लो क्यों टेंशन ले रहे हो। बाकी डिब्बे तो मैं सीधा बाहर फेंक रहा हूँ। ये कास्टा शुगर ऑलरेडी है, इधर भर दिया कास्टा शुगर। बाकी पूरे डिब्बों को ना मैं बाद में फेंकूँगा। हाँ ये एप्पल सीडर विनेगर ये ख़त्म हो गया था, विनेगर है या क्या है जो भी है। इधर कहाँ से आ गया डिब्बा, यहाँ तो मैंने कुछ फेंका भी नहीं था। आला कोई ना, बहुत ग्राइंड करनी पड़ रही है भाई सच्ची में, मजाक से हट के सच्ची में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब क्या रह गया था, हाँ ये सूप कुकी चॉकलेट कुकी क्रैकर और ये चिकन सूप। चिकन सूप को अपन लगाए थे इससे पहले यहाँ। ये चिकन सूप है क्या, हाँ चिकन सूप ही है, चिकन सूप है। $225 दोबारा से डन। कास्टा शुगर ए लो, डन 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 का डन डन। दूध 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 है, दूध है, मैदा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ये वाइट वाली बियर है ना, वाइट वाली बियर अच्छी खासी खाली हो गई थी, भर दिया। हाँ हाँ चलो ये तीन बियर का हो गया। बाकी ये पियर, अरे यार ये दो दो आ गए मेरे पास में है, ये ग्रीन पियर दो दो मंगा लियो मैंने, बताओ। चलो ठीक है कोई ना, लाल वाला नाश्ता ऊपर, ठीक है ये लाल वाला नाश्ता। और जो दूसरा वाला है नाश्ता ये तो है अपने पास इधर रखा हुआ ना, हाँ चलो इसका प्रॉब्लम नहीं है इतना। हाँ बासमती राइस ख़त्म हो गया था पूरा का पूरा, बासमती राइस का भी री स्टॉक। मशीन दोनों के दोनों वर्किंग कंडीशन में, कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। डन डना डन डन का डन डन। कैबेज, अरे कैबेज ऑलरेडी है इधर, कहाँ पर बेच रहा था मैं कैबेज, हाँ ये है ना, ले लो ये तीन कैबेज। एक और कैबेज का जो है ना, ये बस डिब्बे खाली करने मेरे को यहाँ से, पूरा स्टॉक ना मुँह के सामने रख देता हूँ, जहाँ की चीज़ वहाँ पर तुरंत तुरंत पटक देते हैं। ग्रीन पेपर आई गेस यहाँ से बेच रहा था मैं ग्रीन पेपर। ये ग्रीन पेपर ले लो, पूरा ग्रीन पेपर का स्टॉक क्या है। और ये है क्रैकर, क्रैकर का डिब्बा चाहिए, क्रैकर इधर रख देते। एक डिब्बों से कुछ नहीं होने वाला, रीस्टॉक करना पड़ेगा। ग्रीन पियर की जगह ही नहीं है यार बेचने के लिए, इसको इधर ही फेंक देता हूँ। नहीं नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, एक और मेरे को वो लगेगा अभी। हाँ डॉग फूड खत्म हो गया ना, डॉग फूड को रखते हैं यार। ये डॉग फूड और ये फूड ना समझ में नहीं आ रहा अपना, चिकन सूप। बाकी चलो तकरीबन सेट कर दिया, $344 होगा इसमें पूरा। $344 का मैं दोबारा से पूरा सामान जो भी है स्टॉक का वो मंगाएंगे। और नेक्स्ट टारगेट है अपना अब स्टोर को एक्सटेंड करने का। आज ही कर सकते थे बट मैंने पहले एक फ्लो में अपना स्टोर वर्क करना चाहिए, मैंने उसके ऊपर काम किया। क्योंकि एक्सटेंड कर लेते बड़ी बड़ी जगह होती, सामान कम होता तो फिर मज़ा क्या आता। इसलिए कम जगह में ज़्यादा सामान रहे थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लेंगे, बट पैसा फटाफट से आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। पैसे की स्पीड है जैसे गोली जैसे आनी चाहिए। चलो ये दूध दोबारा से स्टॉक। और क्या है, और कोई चीज़ छूट रही है, बीन्स है ना, ले लो ये बीन्स मैदा। अरे हाँ ना ठीक है सुन लिया मैंने यार, येलो केक है, रेड वाला केक है, रेड वाला केक और मंगाना पड़ेगा अपने को। एप्पल 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 एप्पल, ले लो बचा कुछ एप्पल। मशीन बस ख़राब होगी, कोई ना कोई मशीन ख़राब होगी, रिजॉल्व करनी पड़ेगी। हुई खराब, नहीं हुई खराब, ऐसा फीलिंग आ रही थी कि खराब हो जाएगी। ये जो है ये लो अवोकाडो, अवोकाडो ये लो अवोकाडो है, स्टॉक है रखा हुआ है। कुकुम्बर दो तीन बच्चे शायद से लग जाए, हाँ है। और इसके अलावा भी एक डिब्बा और एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है मेरे पास मालूम। यार एक सेकंड, बाहर ये कूड़ा कचरे का डिब्बा, इसको मैं उठा नहीं सकता क्या? ये अगर होता ना तो मैं एक उठा के इसको दुकान के अंदर ही रख लेता, इधर पूरे जितने भी डिब्बे है वो सारे के सारे उसी के अंदर फेंक देता, वो ज्यादा बेटर रहता। बार बार मेरे को बाहर जाने की और वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हेलो है, जब रखा हुआ तो स्टॉक में नहीं होना चाहिए, दुकान के अंदर रहेगा ज्यादा अच्छा रहेगा, पैसा देते रहेगा ना, स्टॉक के अंदर रख के क्या करेंगे। ए ले ये बिका, चलो बच्चा कुचा यहाँ पे।
दो तीन दिन से ना कंटिन्यू अपनी शॉप ऑन है, एक बार भी अपन ने इसको बंद नहीं किया भाई, एक बार भी। जब से आया है ना, जब से कंटिन्यू काम चल रहा है, पैसा आ रहा है, सब एकदम फुल फ्लेज में चल रहा है भाई। $524 भाई, $524। अब अपने को ये सारी चीज़ें मंगानी है। ये बाकी के जो छोटे मोटे फ्रिज है ना, इसको भी अपन बेच देंगे। और ये ऐसे फ्रिज ना एक दो लगा लेंगे, इसी के अंदर कितना सारा माल आ जा रहा है एक ही बारी के अंदर। $610 हो गए इसके अंदर, अब और सामान मंगाते हैं। बट फिलहाल मैंने एक काम करते हैं, अभी घर जाते जाकर आराम करते हैं। और हम आज के एपिसोड को बस यहीं पर एंड करते हैं। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और नए आए हो चैनल पे एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल पर तुम्हें पता ही है ऐसी बड़ी बड़ी गेम प्लेस आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बाकी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, सारी चीज़ों का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक जरूर करना। बाकी मिलता हूं मैं आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।